अनफेयर एविक्शन पर भड़की ऐश्वर्या। आजमा ने उड़ाई आयशा की खिल्ली। रूपाली की आंखें हुई नम। कांची को नहीं पसंद है ईशा का गेम। इस हफ्ते किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, चलिए जानते हैं टेली रैप में। ऐश्वर्या शर्मा को ईशा की कैप्टेंसी के दौरान निकाला गया, जिसका गुस्सा उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान निकाला। सुनिए ऐश्वर्या ने क्या कहा। यस, बुरा लगता है जब आप वोटिंग के बेसिस पे नहीं और रूल ब्रेकिंग के बेसिस पे बाहर आते हो, जो आपने किया नहीं है। आपकी गलतियों का मतलब होता है ना कि आपकी गलती नहीं और आपको भुगतना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हुई है मेरे साथ स्पेशली, तो वो नहीं होना चाहिए था। और एक किसी एक इंसान के हाथ में ये पावर नहीं देनी चाहिए आपको निकालने की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत लोगों की टीम इसके पीछे काम करती है, किसी पर्पस से काम करती है। तो उनका पर्पस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है और आप उनकी उम्मीदों पर ही पानी फेर रहे हैं, तो आप गलत हैं वहाँ पर। सो इट वॉज़ वेरी अनफेयर। लौका पे मुनव्वर के साथ आजमा फला नजर आई थी और उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जहां वो आयशा को खरी खोटी सुना रही हैं। डालिए उस पर एक नजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग बॉस का एक क्लियर विनर है जो है मुनव्वर फारूकी। इनको पता है ये मुनव्वर को हरा नहीं सकते और ना कोई कंटेस्टेंट है जो हरा सकता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये टीवी वाले ना चाहते है कि अंकिता जीते या विकी जीते, तो ये लोग मुनव्वर को थोड़ा नीचे गिरा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुनव्वर की पर्सनल लाइफ में घुसने का हक किसी को भी नहीं है। जैसे आप लोग मुझे कहते थे कि आजमा तुम पर्सनल जाती हो, तो आप लोग भी मुनव्वर की पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकते। आयशा जैसी हजार लड़कियां होगी जिससे मुनव्वर फ्लर्ट करता होगा। भाई वो जवान है, हैंडसम है, वो एक नहीं दस लड़कियां पटाएगा। ये आयशा जो बोल रही है शो पे आके कि तुम नजीला से बात करते थे अभी भी ब्ला ब्ला ब्ला, यार वो करेगा। नजीला इतनी खूबसूरत है भाई, तूने आयशा अपनी शक्ल देखी आईने में? नजीला खूबसूरत है, वो बात करेगा नजीला से, उसकी गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हमें क्या पता, जो भी है खूबसूरत है, वो करेगा उससे बात। आयशा को बार बार नाजीला को बिग बॉस के घर के अंदर सॉरी बोलते हुए देखा गया है, जिसके बाद अब नाजीला ने एक ट्वीट के जरिए आयशा को टॉन्ट मारा, ऐसा फैंस का कहना है, जिसमें लिखा है कि कुछ औरतें मर्दों के अटेंशन के लिए दूसरी औरतों को सपोर्ट करती हैं। काची सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें ईशा का गेम पसंद नहीं आ रहा है। सुनिए काची ने क्या कहा। आई डोंट लाइक अनीशा ईशा, या आई डोंट लाइक ईशा एट ऑल। भाई ईशा में क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं पसंद आ रही आपको, कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड भी है, करंट बॉयफ्रेंड भी है? व्हाट इज शी डूइंग? कम ऑन गर्ल, शी नीड्स अ रियलिटी चेक। व्हाट इज शी डूइंग? People think her game is strong. That is my opinion, okay? अगर किसी को इस चीज़ का बुरा भी लगता है, it does not make any difference to me because that is my opinion. Her game is strong. Maybe that's her strategy. सबकी अपनी अपनी strategy होती है. I am no one to comment on it because मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है. And it's totally a different thing to stay in that house. It's not easy at all. But I just don't like the vibe. I just don't like the vibe. राजन शाही ने अनुपमा यानी रूपाली गांगुली को दिल से थैंक यू किया उनके योगदान के लिए शो अनुपमा में, जिसके बाद रूपाली की आंखें नम हो गई। जी भी रिकॉग्नाइज करते हैं, अपना रिस्पेक्ट देते हैं इस बात को, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि रूपाली गांगुली, अनुपमा बिकेम द फेस ऑफ इंडियन वुमेन और एम्पावरमेंट और स्त्री शक्ति की जो एक सिम्बोलिज्म है। सो उस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए, उस चीज के लिए थैंक यू करने के लिए, एंड एक सरप्राइज फैसिलिटेशन। रूपाली थोड़ी सी नाराज थी कि इतने दिन में आया क्यों नहीं, बिकॉज मेरा अमेरिका का वीज़ा आज ही लगा, मैं सीधा सुपर शटल रॉकेट लेके पहुंच गया हूँ। रुबीना अभिनव के घर नन्ही परियों का जन्म हुआ है, जिन्हें अब एक महीना पूरा हो चुका है। वहीं कपिल ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटियों का नाम जीवा और ईधा रखा है। एक एपिसोड के दौरान मुनव्वर को आयशा से शादी के बारे में बातें करते हुए देखा गया था, जिसके बाद आयशा काफी कंफ्यूज दिखी। प्रियंका चोपड़ा का एक ओल्ड वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रही है कि मेरी फैमिली से कोई पंगा नहीं ले सकता। अब फैंस प्रियंका के स्टेटमेंट को मनारा के बिग बॉस जर्नी और उनसे लड़ाई करने वालों से जोड़ रहे हैं।
अंकिता बेकी का एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल हुआ, जहां दोनों ब्लैंकेट के अंदर कोजी होते हुए नजर आ रहे हैं। नेटिजंस ये देख काफी भड़क गए और उन्होंने कपल को ट्रोल किया। अंकिता की मम्मी ने क्लियर किया कि विक्की ने अंकिता को थप्पड़ मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि दोनों के बीच तो काफी ज्यादा प्यार है और जो दर्शक देख रहे हैं वो काफी ज्यादा गलत है। आपका क्या कहना है इन टॉप 10 खबरों को लेकर? बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।